जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसके लिए तेजपुर शहर की कहानी सुनाना बहुत जरूरी है। ये शहर एक रात में खाली हो गया, लेकिन खाली होने से पहले यहां क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये देखिए। अरे जल्दी करो, जल्दी। जी सर। अरे क्या कर रहे हो यार? सॉरी सर। जल्दी 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 करो, आ जाओ, जल्दी आओ। जितने रोड है सारे थालियां भर लो और सारी बेड़ियां भर ले, चलो सारे डाल लो बेड़ी के अंदर। लेकिन सर ये सब बाहर क्यों? सारे वोट जलाने, चलिए करो, उठाओ वहां से, जल्दी और भरी बेड़ियां बाहर लेके जाओ। देखो सर, अलमारी को चेक करो, वो भरी बेड़ियां बाहर लेके जाना, वहां से निकालो। ये बैंक लूटा नहीं गया इस डर से कि हिंदुस्तानी नोट चीनियों के हाथ ना पड़ जाएं। बैंक मैनेजर ने पूरी करेंसी, पूरे नोट मंगवा कर जला दिए। डालो, डालो जल्दी करो, बेटी के सारे नोट निकाल के डाल दो उसमें। नोट तो सारे हमने जला दिए, उन कॉइन्स का क्या करेंगे? लेकिन उस वक्त सिक्कों की भी बहुत कीमत होती थी और सिक्के तो जल नहीं पाते, तो बैंक मैनेजर ने पूरे सिक्के बोरियों में भरवा दिए। शहर के बीच में एक तालाब था और सारी बोरियां उसमें डुबा दी। नवंबर 1962, ये जो आपने देखा वो तो तेजपुर शहर की एक ही मिसाल है। वहां और क्या हुआ, वहां के लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्या भुगता, ये अब आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। उस टाइम में चाय बागान के अंदर में मैनेजर था, हमने सुना कि वो लोग जो है यहाँ फुटहिल्स में, मिसामारी के पास में फुटिल्स है, वहाँ पर आ गए हैं। फिर उस टाइम में ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ पर शायद रहना सेफ नहीं हो सकता है, तो उस वक़्त फिर हम लोग जो हैं यहाँ से रात में इकट्ठे होकर सवेरे मॉर्निंग में यहाँ से हम लोगों को ले जाया गया। रास्ते में रोका पुला, वो कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम तो तेजपुर जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं तेजपुर मत जाइए, हम लोग तो तेजपुर से वापस आ रहे हैं, वहाँ तो चाइनीज़ आने वाले हैं। ऐसा लगा कि भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कोई भी, SP, DC सब यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। स्टेट बैंक का पता लगा, स्टेट बैंक से सुना ऐसा कि भाई उन्होंने नोट वगैरह जो थे करेंसी वो जला दी है। तेजपुर में ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों को चीन की फौज का डर था। यहाँ के बाशिंदों को लग रहा था कि किसी भी वक्त उनके शहर पर चीन का कब्जा हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1962 से ही भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इसी दौरान प्रधानमंत्री नेहरू के एक ऐसे भाषण को लोगों ने सुना जिससे उनका डर और भी पक्का हो गया। ऐसा लगने लगा कि तेजपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर ही चीन का कब्जा हो सकता है। इस वक्त कुछ असम के ऊपर, असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनके हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने ही हम मदद करें हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। और असम खतरे में है इसलिए खास तौर से हमारा जिस तकलीफ की चर्चा प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे वो सिर्फ असम के लोगों की ही नहीं थी, पूरा देश 1962 में चीन से हुए हमले का दर्द झेल रहा था। इसकी शुरुआत हुई 19-20 अक्टूबर 1962 की दरमियानी रात। इसी रात चीन ने भारत पर हमला किया। 20 तारीख की सुबह स्टैंड टू होता है 4:30-5:45 के बीच में, हम लोग स्टैंड टू के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से, उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ, पहला शेल गिरा हुआ।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई शुरू होने के दो दिन बाद देश के नाम पहला संदेश दिया। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं, जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी, न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। आज़ादी को सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारे देश की उत्तरी सीमा पे एक बहुत बड़ा देश चीन, उसके साथ हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि गहरे रिश्ते रहे, गहरा संबंध रहे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीन और हिंदुस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे चीन हिंदुस्तान पे हमला करने वाला है और हिंदुस्तानी फौज इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बीजी वर्गीज जो उस वक्त के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, पत्रकार थे, वो लड़ाई से 10 दिन पहले हिंदुस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में पहुंचे। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर और नवंबर, और काफ़ी ऊंचा है, 15-16 हज़ार फीट, बहुत ठंड। वो शर्ट स्लीव्स में या एक हल्का से पुलोवर पहन के, जिम शूज, सॉक्स से काम वो कर रहे, उनके पास सब चीज की कमियां थी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसपी श्रीकांत तब मेजर हुआ करते थे और तब के नेफा के धौला फ्रंट पर सेना की एक टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे। हम जब तवांग में थे, हम लोग जब बेनेट ट्रेनिंग करते थे ना, सुबह जब डमी बनाते हैं उसमें हम घोंपते हैं वो, उसमें हम लोग ने चाइनीज का बनाया था शक्ल, ताकि अभी लोग को ये पता लग जाए इनको मारना है चाहे कुछ हो जाए। मगर हुक्म आ गया कि नहीं, ये बंद करिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हैं। अब भाई भाई के सिलसिले में हम उसी में चक्कर में रह गए। मेजर श्रीकांत को भारत चीन लड़ाई में वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन मेजर श्रीकांत जैसे सिपाहियों की वीरता अरुणाचल और लद्दाख में चीनी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। दुख तो बहुत होता है, रेट्रोस्पेक्ट में हम कहते हैं कि लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है, और प्लानिंग इस पर अमेरिका में था ही नहीं। वो उसी वक्त वो रेकी के लिए गए थे, ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर। लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही साफ हो गया था कि हिंदुस्तान की फौज चीन का सामना नहीं कर सकती थी, और देखते ही देखते उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख के चुशूल में रेजांगला और पूर्व में नेफा के तवांग से लेकर बॉमडिला तक चीनी सेना ने अपना लाल झंडा गाड़ दिया। भारतीय फौज तितर बितर हो गई। लड़ाई के 30वें दिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर से देश के नाम संदेश दिया। इस रेडियो ब्रॉडकास्ट को कई लोग हार का औपचारिक ऐलान मानते हैं। सीला एक पास है, पहाड़ है बॉमडिला के ऊपर, तवांग और बॉमडिला के बीच में, और बॉमडिला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारी हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है, थोड़े दिन नहीं बहुत दिन, महीनों नहीं सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू ऊपरी तौर पर देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने नेहरू को दोबारा लड़ने का मौका ही नहीं दिया। 20 नवंबर की रात चीन में भारतीय एम्बेसडर को वहां के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने बुलाया
और कहा कि आधी रात से चीन की सेना सीज फायर कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। चीन के एक तरफा ऐलान के साथ ही लड़ाई खत्म हो गई। युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन उसका घाव हमेशा के लिए रह गया। एक महीने तक चले इस युद्ध में भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। चीन ने भारत की 42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह इतनी जमीन थी जिस पर देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे। भारतीय सेना के 1,383 सैनिक शहीद हुए थे और 1,047 सैनिक बुरी तरह घायल हुए। ।1696 सैनिकों का कुछ पता ही नहीं चला और करीब 4,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बनने की यातना झेलनी पड़ी। हम युद्ध हार चुके थे। चीन के साथ लड़ाई को 50 साल हो गए लेकिन आज भी हमारे चीन के साथ संबंध उस लड़ाई से प्रभावित है। आज भी चीन और हमारे बीच के बॉर्डर में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। सवाल यही नहीं है कि ये लड़ाई हम हारे क्यों, सवाल ये भी है कि ये लड़ाई हुई क्यों। क्या लड़ाई के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता था? क्या लड़ाई जरूरी थी? और क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त बहुत बड़े डिप्लोमेट, बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टेट्समैन माने जाते थे, क्या वो चीन के बारे में चुप गए? चीन से लड़ाई में हार या लड़ाई की असल वजह क्या है, इन दोनों ही बातों के तह तक जाने के लिए साल 1950 की घटनाओं को समझना होगा। दोनों देशों का मौजूदा इतिहास कमोबेश एक साथ ही शुरू होता है। भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके दो साल बाद ही चीन में माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश बना। दोनों देशों का मौजूदा सफर एक साथ ही शुरू हुआ। We recognize their government. हमने चीन की हिमायत की, हमने कहा कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य होना है। एक बार नहीं, अनेक बार। माओ के कम्युनिस्ट चीन को भारत ने मान्यता तो दे दी लेकिन उसी चीन ने 1950 में ही एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। चीन ने भारत और उसके बीच बसे एक अलग आजाद मुल्क तिब्बत पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उस पर कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत को अपना एक राज्य घोषित कर दिया। तिब्बत के प्रमुख दलाई लामा हैं। दलाई लामा के तिब्बत पर चीन के कब्जे ने दुनिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। तिब्बत के भारत और चीन के बीच में होने की वजह से दोनों देशों में हमेशा फासला रहा था। चीन के कब्जे ने उस फासले को खत्म कर दिया और अब तक जो सरहद सिर्फ कश्मीर के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित थी, वो बढ़कर आज के उत्तराखंड से लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई थी। साफ था, तिब्बत पर चीन के कब्जे का असर सबसे ज्यादा भारत पर पड़ा। तिब्बत पर चीन के कब्जे ने भारत की सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री नेहरू के पास ही विदेश मंत्रालय भी था। नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक नोट जारी किया। भारत और दुनिया की कोई भी ताकत तिब्बत पर चीन के हमले को रोक नहीं सकती। उसके बाद चीन भारत पे हमला करेगा, यह बात बहुत हद तक गैर मुमकिन है, क्योंकि अगर चीन भारत पे हमला करेगा तो तयशुदा तौर पर वर्ल्ड वार हो सकता है। हां, चीन भारत में
घुसपैठ करने की कोशिश करेगा और अगर विवादित जगहों पर घुसपैठ हुई तो वहां कब्जा भी हो सकता है। भारत को चीन के लोग और वहां के विचार दोनों की घुसपैठ रोकने की कोशिश करनी चाहिए और चीन के साथ हमें अपनी दोस्ती में ही सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भी सीमा का मामला उठाने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री की ये सोच थी कि जब तक चीन अपनी तरफ से सीमा का मामला नहीं उठाता उसके बारे में किसी भी स्तर पर बातचीत की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नेहरू के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं मानते थे। पटेल ने चीन के मामले पर 1950 में एक अहम चिट्ठी प्रधानमंत्री नेहरू को लिखी। प्रिय जवाहरलाल नेहरू, चीन सरकार ने हमें जाल में उलझाने की कोशिश की है। मेरा यह मानना है कि चीन हमारे राजदूत के मन में यह झूठा भरोसा कायम करने में सफल रहा है कि वो तिब्बत की समस्या को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। मेरे विचार से यह चीन का धोखा और विश्वासघात है। वो असम के कुछ हिस्सों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। आवाजाही की दृष्टि से वहां हमारे साधन बड़े ही कमजोर और कम हैं। इसलिए क्षेत्र कमजोर है। सभी समस्याओं को बता पाना मेरे लिए थकान भरा और असंभव होगा, लेकिन समस्याओं का तत्काल समाधान करना होगा। आपका वल्लभ भाई पटेल। मुझे लगता है कि पटेल के पत्राचार से बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि चीन के बारे में उनके मन में आशंकाएं थी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पटेल अकेले आदमी थे जिसके मन में इस तरह की आशंकाएं थी। जितने लोग दक्षिणपंथी कहलाते हैं कांग्रेस में, वो गोविंद वल्लभ पंत रहे हों, वो आचार्य कृपलानी रहे हों, उन सबके मन में कहीं ना कहीं शुभा चीन को लेकर था, मगर उस समय दौर ये था कि नेहरू को चुनौती देने वाला कोई था नहीं। सरदार पटेल का ये खत उनकी दूरअंदाजी की एक मिसाल माना जाता है, लेकिन कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये खत का पहला ड्राफ्ट गिरिजा शंकर वाजपेयी ने लिखा, जो उस वक्त विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी जनरल थे। वाजपेयी उनके साथी नेहरू के चाइना पॉलिसी से, उनके चीन के प्रति पॉलिसी से सहमत नहीं थे। नेहरू चीन के साथ सीमा का मामला, बॉर्डर इश्यू उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त हिंदुस्तान के एम्बेसडर चीन में थे के एम पणकर, और नेहरू पणकर की राय से बहुत प्रभावित थे। लेकिन वाजपेयी और उनके साथियों को लगता था कि पणकर चीन को सही समझ नहीं पा रहे हैं। इन तमाम खींचतान के बीच प्रधानमंत्री नेहरू ने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और चीन के बारे में इससे भी बड़ा ऐलान पार्लियामेंट में किया। लद्दाख से नेपाल तक जो सरहद चीन की सीमा से लगती है वो परंपरा और रिवायती इस्तेमाल से तय हुई। हमारे उत्तर पूर्व की जो सीमा चीन से मिलती है इसे मैकमहन लाइन ने पूरी तरह साफ कर दिया। मैकमहन लाइन 1914 शिमला कन्वेंशन में तय हुई। मैकमहन लाइन ही हमारी सीमा रेखा है, मैप हो या ना हो। तब के नेफा और आज के अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा चीन से लगती है उसे मैकमहन लाइन कहते हैं, जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने 1914 में मिलकर तय किया था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे जबरन तैयार की गई सीमा रेखा मानती है। ये जानते बूझते प्रधानमंत्री ने मैकमहन लाइन को अपनी सीमा घोषित कर दी। इससे भी बड़ी घटना तवांग में हुई। 12 फरवरी 1951, इसी दिन तवांग में भारतीय प्रशासन ने पहली बार कदम रखा। इससे पहले तवांग तिब्बत का हिस्सा था। तवांग में जब भारतीय अधिकारी पहुंचे तो कहा जाता है कि उनका जोरदार स्वागत किया गया। चीन ने प्रधानमंत्री नेहरू की मैकमहन लाइन के बारे में घोषणा और तवांग में भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की।
लेकिन चीन बिल्कुल चुप था। सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर उनके मन में क्या था ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हिंदुस्तान ने अपने एम्बेसडर के एम पानेकर से कहा कि वो जाकर छवन लाई से मिले, और ये मीटिंग फरवरी 1952 में हुई। एम्बेसडर के एम पानेकर चाओ एन लाई से मिलने पहुंचे। पानेकर को यह कहा गया कि बाउंड्री को लेकर चीन के रुख का अंदाजा लगाएं और साथ ही ये स्पष्ट कर दें कि तिब्बत पर किसी भी समझौते से पहले बाउंड्री का मसला हल होना चाहिए। लेकिन मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाओ ने ट्रेड और सांस्कृतिक रिश्तों को विचार करने की सलाह दी। चाओ के साथ कई मीटिंग के आधार पर पानेकर ने अपनी राय दे दी, जिसने भारत चीन के रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया रुख दे दिया। हमारी मुलाकातों में बाउंड्री से जुड़े सवाल पर कोई चर्चा नहीं हुई, राजनीतिक सवालों की तरफ इशारा भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चाओ एन लाई सीमा को लेकर भारत के पोजीशन को बखूबी जानते हैं, और इस मसले पर उनकी चुप्पी का मतलब भारतीय पोजीशन को लेकर मौन सहमति ही हो सकती है। भारत चीन सीमा बिल्कुल तय है और उस पर कोई बातचीत की जरूरत नहीं है। ये हमारा अब तक का स्टैंड रहा है और इसे बदलने की जरूरत नहीं है। नेहरू के विदेश मंत्रालय में कई ऐसे अधिकारी थे जो लगातार इस रुख का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत को खुलकर सीमा मामले पर चीन से चर्चा करनी चाहिए, और जब तक कि चीन हमारी सीमाओं को मान न ले, कोई और समझौता नहीं होना चाहिए। इस सलाह को दरकिनार कर नेहरू ने अपने विदेश सचिव को नोट भेजा। चीन के साथ सीमा से जुड़े सवाल उठाने का वक्त अभी नहीं है। अगर कभी इसकी जरूरत पड़ी, खासतौर पर तब अगर हमारे सीमाओं को चुनौती दी गई, तो हम अपना रुख साफ कर देंगे। बात यही नहीं रुकी। 29 अप्रैल 1954 को पेइचिंग में भारत ने उस संधि पर दस्तखत कर दिए जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें शांति के साथ साथ रहने और दोस्ताना संबंध की बात की गई थी। What are these five principles? पंचशील। इस समझौते की हर तरफ तारीफ हो रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। लग रहा था कि दुनिया की दो बड़ी सभ्यताओं ने साथ रहने की नई मिसाल पेश की है। ये फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को दुनिया के सामने रखा था, और तब बैंडुंग में सब और बाकी सुकार्नो, उनू, एनक्रूमा सब मान गए, और ये एक नॉन अलाइन मूवमेंट के एक एक क्या कहते हैं मंत्र वो बन गए अब तक। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के पीछे कुछ अहम बातें दब गईं, जिसकी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। भारत जिसे अपनी सीमा मानता था, उसे पंचशील समझौते में चीन ने कहीं साफ तौर पर मान्यता नहीं दी थी, जबकि इस ट्रीटी के जरिए प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और तिब्बत में भारत के जो अधिकार थे उसे सरेंडर कर दिया था। क्या यह नेहरू की बड़ी भूल थी? कि तिब्बत के मामले में नेहरू ने नादानी की, नासमझी की, अदूरदर्शिता की, और तिब्बत की मोहरे को जिस तरह वो प्रयोग कर सकते थे चीन के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने में, उसका प्रयोग वो नहीं कर सके। भारत की स्थिति नहीं थी कि वो टक्कर ले चीन से जाके और उनको तिब्बत से खदेड़े। किस कारण, किस वजह से या किस प्लैंक पे वो कर सकते थे? तो सबसे पहले ये कि विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था। आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, और या फिर आप कहते कि इस मामले से लेकर हम रिश्ते तोड़ देते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे कई सालों तक लगते रहे। पंचशील समझौते के बाद चाओ एन लाई भारत आए। दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन सीमा के बारे में कोई बात नहीं हुई।
अगर आप वाइट पेपर्स पढ़ें या नेहरू जी के उस समय के भाषण पढ़ें कि उन्होंने एक तरह से जो चीन से जो सिग्नल आ रहे थे उनको थोड़ा सा मिसरीड जरूर किया। इस मुलाकात के बाद नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की कई मुलाकातें हुईं। नेहरू चीन गए जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इसी माहौल में 1956 के नवंबर महीने में बड़ी घटना हुई। चाउ एन लाई राजकीय दौरे पर भारत में थे। तिब्बत के सबसे ऊंचे धर्म गुरु दलाई लामा भी भारत में ही थे। वो तिब्बत में चीन की नीतियों से परेशान थे। उन्होंने एक बड़ी पहल की। आपको समझना चाहिए कि भारत आपकी सहायता नहीं कर सकता है। मैं भारत में शरण लेने का विचार कर रहा हूं। आपको अपने देश वापस जाना चाहिए और इस 17 सूत्री समझौते के अनुसार अपने देश में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये कैसा मानू कि प्रधानमंत्री ने नौजवान दलाई लामा को उस वक्त भारत में शरण नहीं दी। उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। नेहरू तिब्बत को लेकर चीन की परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ 1957 के सितंबर महीने में चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में खबर छपी। इसमें कहा गया कि चीन के सिंकियांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से तैयार है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। सिंकियांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क अक्साई चीन से होकर जाती थी। ये वही इलाका था जिसे भारत अपना मानता था। चीन की अक्साई चीन को लेकर असली नियत क्या है, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने सीधे चाउ एन लाई को चिट्ठी लिखी। 1956 में हमारी मुलाकात हुई थी, तब आपने संकेत दिया था कि मैकमेहन लाइन ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उपजी है। फिर भी भारत और चीन के बीच दोस्ताना रिश्तों को देखते हुए और तिब्बत के स्थानीय प्रशासन से सलाह मशवरा के बाद इसे मान्यता दे दो। हमारी अब तक यही सोच रही है कि भारत और चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। अभी तक मेरी इस सोच को आप भी सही मानते रहे। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने लगभग एक महीने बाद नेहरू की इस चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कभी चीन और हिंदुस्तान की सीमा औपचारिक तौर पर तय नहीं हुई थी और चीन ने तो यह मसला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त थे। साफ था कि चीन का रवैया बदल रहा था। भारत चीन के बदले हुए रुख को परख पाता, इससे पहले घटनाओं ने एक नया रुख ले लिया। एक बहुत बड़ी घटना हो गई। तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को लगा कि चीन की फौज उनको गिरफ्तार करने वाली है। वो अपने कुछ साथियों के साथ तिब्बत से भाग गए और भारत की तरफ आए। भारत सरकार ने उनको आने की इजाजत दे दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मसूरी गए उनसे मिलने। मुझे उम्मीद है कि भारत का मदद से तिब्बत को आजाद कर पाएंगे। दलाई लामा जी, तिब्बत की आजादी के लिए भारत चीन से लड़ाई नहीं शुरू कर सकता। मुझे तो यह लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर भी तब तक तिब्बत को आजाद नहीं करा सकती जब तक चीन पूरा बर्बाद ना हो जाए। प्रधानमंत्री नेहरू का दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आया। दलाई लामा का जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ वो भी उसे रास नहीं आया। ये तो साफ था कि तिब्बत के मामले में नेहरू चीन को और भड़काना नहीं चाहते थे, लेकिन दलाई लामा को इजाजत देने से ही चीन का मुद्दा और बढ़ गया। दोनों देशों में डिप्लोमेसी कम और राजनीति ज्यादा होने लगी। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और बढ़ गई। अखबारों में तरह तरह की खबरें छपने लग गई। पार्लियामेंट में सवाल उठने शुरू हो गए और आहिस्ते आहिस्ते प्रधानमंत्री के हाथ से लगाम छूटती गई।
अब अक्साई चीन की सड़क से लेकर मैकमहन रेखा तक चीन के रुख पर संसद में सवाल उठने लगे थे। प्रधानमंत्री चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, लेकिन मसला संसद में थमा नहीं। सांसद उन पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाने लगे और आखिरकार उन्हें बड़ा फैसला करना पड़ा। इस आलोचना और विरोध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के सामने एक व्हाइट पेपर पेश करने के लिए मजबूर हो गए। और अगर उन्हें सोचा था कि ये व्हाइट पेपर पेश करने से आलोचना और विरोध कम हो जाएगा तो उन्होंने गलत सोचा, क्योंकि इस व्हाइट पेपर में जो जानकारी थी उसकी वजह से तो विरोध और बढ़ गया और पॉलिटिकल हो गया। और अब प्रधानमंत्री की चीन के प्रति जो डिप्लोमेसी थी उस पॉलिटिक्स से प्रभावित होने लगी और उनके डिप्लोमेटिक हाथ अब पॉलिटिक्स से बंध गए थे। इसकी एक वजह थे प्रधानमंत्री नेहरू के दोस्त और रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन। वी के कृष्णा मेनन और तब के सेना प्रमुख जनरल के एस थिमैया के कम ही मुद्दों पर एकमत थे। जनरल थिमैया चीन को दुश्मन देश मानकर फौजी तैयारी करने की बात करते थे, जबकि मेनन का मानना था कि असली खतरा पाकिस्तान की तरफ से है और सेना को भी पाकिस्तान की सीमा पर ही होना चाहिए। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बिगड़ते रिश्तों की खबर प्रेस को सबसे पहले तब लगी थी जब बीएम कॉल नाम के अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। बीएम कॉल को 12 दूसरे अधिकारियों को सुपरसीड करके यानी पीछे छोड़कर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। कॉल प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार बताए जाते थे और इस बात को कॉल ने खूब फैलाकर भी रखा था। थिमैया कॉल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कॉल के पास लड़ाई में हिस्सा लेने का अनुभव नहीं था। कॉल ने ज्यादातर वक्त आर्मी सर्विस कोर में बिताया था। उनके प्रमोशन की बात इतनी बढ़ी कि 31 अगस्त 1959 को थिमैया ने इस्तीफा दे दिया। ये लीजिए मेरा इस्तीफा, आज के बाद मैं इस देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ये इस्तीफा अभी तुरंत वापस लीजिए और इस्तीफे के बारे में मुझे दूसरा पत्र दीजिए। लेकिन सर, देखो टिमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो टिमी, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह इस्तीफा आप मेरे लिए वापस ले लें, और यह मैं एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं कह रहा हूं, एक बुजुर्ग के नाते कह रहा हूं, इसे वापस लीजिए। जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसी बीच चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की चिट्ठी नेहरू के नाम आई। ये बहुत हैरत की बात है कि भारत चीन से उस सीमा रेखा को मान्यता देने की बात कर रहा है जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों ने जबरन चीन के तिब्बत क्षेत्र पर थोपा था। चीन की सरकार मैकमेहन लाइन को बिल्कुल मान्यता नहीं देती। भारत और चीन की सीमा कभी तय नहीं हुई है और इस पर नए समझौते की जरूरत है जो दोनों पक्षों के लिए वाजिब है। चाउ की चिट्ठी से साफ हो गया था कि भारत के नक्शे में दिखने वाले लगभग 40,000 वर्ग मील जमीन पर चीन अपना दावा ठोक रहा था। इसके बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी स्थिति साफ कर दी। आज से 7-8 साल पहले मुझे लगा था कि सीमा मामले में किसी भी प्रकार की चर्चा करना बेकार है, कोई सीमा विवाद है ही नहीं। फिर भी चीन और भारत कुछ बंजर पहाड़ों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। चीन ने अक्साई चीन के लद्दाख वाले इलाके में वो सड़क बना ली थी जिसको लेकर झगड़ा हुआ और नेहरू ने फरमाया कि वहाँ तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता, उसको लेकर चिंता क्या करनी। जब महावीर त्यागी ने संसद में अपनी टोपी उतार कर कहा कि यहाँ भी एक बाल नहीं उगता मेरी चांद पर, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी गर्दन कलम कर दी जाए। तो ये सारी घटनाएं आपको 54-55 से लेकर के, हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण समझौते के पंचशील का जो दिन थे वो बड़े अच्छे दिन थे, मगर अगर आप पलट कर देखें तो विवाद जारी था।
साफ था, प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में डिप्लोमेटिक कोशिशें नाकाम हो रही थी। चीन को लेकर देश के अंदर राजनीति और आलोचना बढ़ रही थी। दूसरी तरफ सीमा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अहम बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री जी, इस समय नॉर्थ ईस्ट में चीन बॉर्डर पे असम राइफल है और लद्दाख में सीआरपीएफ अभी इस सीमा की देखभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है। आगे का क्या प्लान है? हमें अभी सीमा की जिम्मेदारी फौज को दे देनी चाहिए। हमारे पास 4th डिवीजन पंजाब में है, उसे भी नेफा भेजना होगा और समस्त फॉरवर्ड पोस्ट पे अब सेना की तैनाती होनी चाहिए। सर, सीमा पर भारतीय सेना की इस तैनाती के फैसले को फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। नेहरू सरकार का यह बड़ा फैसला था क्योंकि सेना के जिस 4th डिवीजन को नेफा की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया उसकी ट्रेनिंग पहाड़ी लड़ाई के लिए नहीं थी और इसी पॉलिसी को चीन लड़ाई की बड़ी वजह कहता रहा है। बहरहाल फॉरवर्ड पॉलिसी जमीनी स्तर पर लागू होती उससे पहले चाओ एन लाई ने एक बड़ा प्रस्ताव नेहरू के सामने रखा। मैं यह प्रस्ताव देता हूं कि चीन और भारत की सेना पूरब में मैकमेहन लाइन और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाए। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे बॉर्डर पर आपकी कार्रवाई है। हम मैकमेहन लाइन को गैर कानूनी मानते हैं, इसके बावजूद कभी भी हमारी सेना ने उसे क्रॉस नहीं किया है। साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो चीन ये कह रहा था कि लद्दाख का अक्साई चिन जो चीन के कब्जे में था वो चीन के साथ ही रहे और अरुणाचल प्रदेश का तवांग का हिस्सा और बाकी वो जो इलाके जो भारत के साथ हैं वो भारत के साथ ही जुड़े रहे। अगर चीन को मैंने अक्साई चिन दे दिया तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब साफ था, नेहरू अब किसी भी बड़े समझौते से बचने का मन बना चुके थे। एक तो उन्हें चीन की नीयत पर शक था और दूसरी तरफ आम जनता और राजनीतिक पार्टियां चीन के साथ किसी भी लेन देन के खिलाफ एक मत दिख रही थी। इसी माहौल में 1960 के अप्रैल महीने में चाओ एन लाई के भारत आने की खबर आई। इस ऐलान के बाद पंडित नेहरू पर दबाव और बढ़ता गया। कांग्रेस के सांसदों ने उनसे मांग की कि वो चीन के साथ और सख्ती से पेश आएं। ऑपोजिशन पार्टीज ने भरोसा मांगा कि पंडित नेहरू चीन के साथ हिंदुस्तान की जमीन का सौदा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में रैलियां हुई। कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू से ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की एक इंच जमीन चीन को ना दें। चाओ एन लाई भारत पहुंचे। इस बार सुरक्षा इंतजाम सख्त थे। चाओ एन लाई करीब एक हफ्ते भारत में रहे। प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी तकरीबन 20 घंटे बातचीत हुई। एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। बातचीत में चाओ एन लाई ने अपने पुराने प्रस्ताव को फिर से दोहराया। फुसांग, नेवा, किन लोए कॉंग, नेवा को हाव, नेवा एक तुमसी। इसका मतलब ये था कि चीन यथास्थिति या स्टेटस को के बहाने अक्साई चीन पर अपने दावे को छोड़ने की बात कर रहा था और इसके अवज में वो अरुणाचल प्रदेश में अपने दावे को छोड़ने का प्रस्ताव दे रहा था। नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सवाल ये है, यथास्थिति स्टेटस को है क्या? आज का स्टेटस को और 2 साल पहले का स्टेटस को दोनों अलग है। बातचीत के बाद पार्लियामेंट में नेहरू ने असफलता का ऐलान कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकला। दोनों की बातचीत नाकाम रही। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारी मिलते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देश
युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। तभी 6 दिसंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने खुद भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए वकालत की। इसके लिए आज भी प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना होती है। 1961 से 62 तक प्रधानमंत्री नेहरू को लगातार पार्लियामेंट में चीन के मसले पर घेरा जाता रहा। उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई का दबाव था, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार भारतीय चौकियों पर हमले हो रहे थे। अक्टूबर 1962 आते आते साफ हो गया कि लड़ाई के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। जब डायलॉग ब्रेकडाउन हुआ और जो दोनों पक्षों का जो एक अपना अपना मत था, उनके बीच में कहीं भी किसी तरह से मेल नहीं हो पा रहा था, तो ये घटना घटी। 20 अक्टूबर 1962 को छिटपुट गोलीबारी ने युद्ध की शक्ल ले ली। नेफा से लेकर लद्दाख तक की सीमाओं पर चीन ने हमला बोला। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू तो कर दी थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। न हथियार न राशन, सिर्फ हिम्मत के सहारे भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। जल्द ही भारतीय सेना को नेफा से लेकर लद्दाख तक भारी नुकसान सहना पड़ा। लड़ाई के पहले ही दिन नेफा फ्रंट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल को दिल का दौरा पड़ गया। वो इलाज के लिए दिल्ली चले आए। उनकी जगह दूसरे जनरल हरबख्श सिंह ने कमान संभाली, लेकिन हरबख्श सिंह कुछ कर पाते उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कॉल को नेफा की कमान दोबारा दे दी गई। नेफा में हार की बड़ी वजह इसे भी माना जाता है। बहरहाल ज्यादातर लोग मानते हैं कि युद्ध की दशा शुरुआती कुछ घंटों में ही तय हो चुकी थी, भले ही युद्ध में हार की घोषणा में महीना लगा हो। ये आकाशवाणी है, अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर, और उन्होंने हमारे फौजी जो वहां दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफी एक बड़ी जंग हुई वहां, और चीनियों ने इतनी बड़ी फौज वहां डाली कि उन्होंने हमारे उससे छोटी फौजों को हटा दिया और दबा दिया। रक्षा मंत्री वी के मेनन को युद्ध के दौरान ही इस्तीफा देना पड़ा। युद्ध के ठीक बाद तब के सेना अध्यक्ष जनरल थापड़ छुट्टी पर चले गए। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल ने इस्तीफा दे दिया। चीन के इस लड़ाई में हिंदुस्तानी फौज बुरी तरह से हार गई, और इस हार का अपमान, इसका घाव इन इस्तीफों से कोई कम नहीं हुआ। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये लड़ाई जरूरी थी? अक्साई चीन अभी भी चीन के कब्जे में है, अरुणाचल प्रदेश अभी भी हिंदुस्तान के साथ ही, और ये 60 साल पहले जब हिंदुस्तान और चीन के बीच बात बिगड़नी शुरू हुई थी, तो क्या उस वक्त उस बात को राजनीति में, उसको पॉलिटिकल क्षेत्र में ढकेलना जरूरी था? क्या डिप्लोमेसी के साथ वो बात ठीक नहीं हो सकती थी हमारे में, चीन और हिंदुस्तान में? और ये बात तब भी मायने रखती थी और आज भी मायने रखता है। बहरहाल इस हार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत घाव लगा। वो जवाहरलाल नेहरू जो ऊंचे गद के पड़े माने हुए इंसान, वो टूट से गए। और 1.5 साल बाद ही उनका देहांत हो गया, और जवाहरलाल नेहरू के देहांत के साथ ही एक युग का देहांत हो गया।